वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। अल्पाधिकार ये हो जाएगा कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ए का बी। उसके बाद एकाधिकार एक विक्रेता परंतु अधिक क्रेता, पूर्ण प्रतियोगिता अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन अनुच्छेद ऑब्लिक अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथुला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा शहजादा सलीम के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। डो अश्पा एवं शी अश्पा प्रथा किसने शुरू की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शह सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर का लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध ए लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ये 1905 से 11 तक चला था। अगला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाण सागर, ऑप्शन डी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विक्टोरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य GST के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा GST भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरे स्थान पे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 23, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग से जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? राइट आंसर इसका होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? राइट आंसर इसका होगा औरंगजेब ने, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? राइट आंसर इसका होगा सिनी शेट्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाहजहां से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक विशेष से कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊतक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रिनेलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अतिशीलन सुपर कूलिंग से किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है? राइट आंसर इसका हिमांक से नीचे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को घटना खाली स्थान कहलाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक से अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ये फिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही उत्तर अवरक्त तरंग, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन डी। अगला, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है? 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक से पदार्थ को जो अंश बच जाता है वह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/16, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेथेनॉल एवं से पीरिडीन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाश्चुरीकरण। ये दूध को हानिकारक से जीवाणु विहीन बनाया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे, इसको गर्म किया जाता है और एकाएक ठंडा किया जाता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, चाय की जगह दूध। अगला प्रश्न है, DAP में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18% नाइट्रोजन तथा 46% फॉस्फोरस, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हृदय में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन सी।
ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान से वसा निम्नलिखित में निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात कोशिका अरक्तता या अनुवांशिक, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अफ्रीका में 54 देश है, एशिया में 48 और यूरोप में 51, उसके बाद दक्षिण अमेरिका में 14 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग दो में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 अगस्त को, ऑप्शन डी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा बिहार के जमुई जिले में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 222.88 मिलियन टन सोना होने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डॉट डॉट होगा, क्या होगा। तो ये CD-RO होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल से क्लब से जुड़े हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा अल नासर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 242, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सी एम आई ई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप से इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम सी रिपोर्ट में अफोर्डेबल से टैलेंट से में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आयकर विभाग के 3.0 प्लेटफॉर्म पर से अपने पेमेंट से गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन डी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल से होने वाली पहली वैश्विक से बिग टेक कंपनी कौन सी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बाजरे के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 5वां, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा
तेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक्स के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 85वां है ऑप्शन डी। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एसी चरनिया को, ऑप्शन इसका हो जाएगा एसी चरनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अगरतला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा इरेडा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवीण शर्मा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के पीएम से कौन हैं जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जेसिंडा अर्डने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुभम गिल, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किस फिल्म ने क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा RRR RRR हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? रामानंद का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये बर्मिंघम हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में है, जो ये जलपोत के जगह लोहा इस्पात उद्योग के लिए हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये बिहार में रही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन सी। इनमें से किस उत्पाद के लिए बिहार को GI टैग नहीं मिला? राइट आंसर मिनदोली केला, ऑप्शन इसका हो जाएगा मिनदोली केला सी हो जाएगा सही उत्तर। IMF की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सैंडी स्टॉर्म से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संदीप पाटिल, ऑप्शन सी। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 मार्च को, ऑप्शन ए। इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सऊदी अरब का मुद्रा है सऊदी रियाल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सऊदी रियाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धारा 25, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजगीर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशी मगध, ऑप्शन डी।
शारण सिंचाई से नहर निकलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंडक से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार से विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेमा खातून, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य प्रदूषण से निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1974 में, ऑप्शन बी।